बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी बच्चों, चैप्टर 7 है अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन तीन किस्म की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ द बॉडी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर मोशन आर ट्रांसलेटरी मोशन। ये लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। एंड मोशन ऑफ बॉडी लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक इज द रोटेटरी आर सर्कुलर आर एंगुलर मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सी होती है, जो सर्कुलर ट्रैक में हो। और वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो इर्द गिर्द मोशन को क्या कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ सुप्रीम मास सिस्टम है, कोई एक बाउल है, इस बाउल में आप बाल को फेंक दें, बाल की जो मोशन होगी ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बहुत सी एग्जांपल है जिसमें किसी एक पॉइंट के फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन होती है। सिंपल पेंडुलम में भी ऐसे होती है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो ये सारी मोशन टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट हैं, इस फिक्स पॉइंट को मेन पोजिशन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ ए टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन की ही एक शक्ल है। इट इज टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, मगर इसकी कंडीशन है क्या कंडीशन है, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन दो कंडीशन पूरी करे। इट इज टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेन पोजिशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड मेन पोजिशन। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है। इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजिशन। जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन दो कंडीशन पूरी करे, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस टू अदर साइड ऑफ मेन पोजिशन। मेन पोजिशन के इर्द गिर्द कोई भी फासला डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड मेन पोजिशन होती है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और टूवर्ड मेन पोजिशन है। तो जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ये कंडीशन पूरी करेगा, उस बॉडी की मोशन डिक्लेयर्ड हो जाएगी इट इज़ सिंपल हार्मोनिक। तो आप किसी भी बॉडी की मोशन को असेस करना चाहते हैं, आया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, आपको उस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन ये कंडीशन पूरी करेगा, देन इट्स मोशन इज डिक्लेयर टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं।
suppose we have system of mass spring system, जो spring है उसके साथ एक body को mass को attach कर दिया, frictionless support है, मैं इसको खींच के छोड़ देता हूँ, ये body का main position था, मैंने इसको x extension दी, displacement दिया, इस A point पर ले आया body को, ठीक है, body को मैंने कुछ फासला दिया, x फासला दिया और बॉडी को खींच कर कितने दूर लेकर आया, ए पॉइंट पर, ये मेन पोजीशन होता है ओ। तो बॉडी को ओ से ए तक लाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ी, हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस डायरेक्टली जो स्ट्रेन है, जितने ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा एक्सटेंशन पैदा होगी, तो मैंने फोर्स एफ लगाई, उसके नतीजे में कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, कितनी एक्सटेंशन पैदा हुई, एक्स, इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो के है, के इज़ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर k की वैल्यू देखना चाहें, k को डिफाइन करना चाहें, इट इज़ रेशियो ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो होती है, यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर है और डायमेंशन इसकी सिमिलर है सरफेस टेंशन के, क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है, इसे हम हुक्स फोर्स कहते हैं। अब अगर मैं बॉडी को ए पॉइंट पर रिलीज कर दूं, छोड़ दूं यहाँ पर, तो क्या बॉडी ए पर पड़ी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये वापस आएगी, तो ये मेन पोजीशन की तरफ वापस है, क्योंकि ओ से ए तक लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा, वो वर्क बॉडी में स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं ए पॉइंट पर बॉडी को रिलीज़ करूँगा, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में और बॉडी मूव करेगी। अब इनर्शिया की वजह से मेन पर रुकने की बजाय एक और पॉइंट बी पर चली आई, इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन को क्रॉस करेगी और कहाँ तक पहुँच जाएगी, बी पॉइंट पर। अब यहाँ ओ से बी में आने में बॉडी ने दोबारा स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वर्क किया, ठीक, ये वर्क दोबारा बॉडी में स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दोबारा काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, यूँ बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगी, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुई है उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब यही फोर्स बॉडी को वाइब्रेट करवा रही है, जब मैंने बॉडी को ए पॉइंट पर छोड़ा तो जो फोर्स इसको वापस मेन पोजीशन पर लाती है उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मेन पोजीशन, वो फोर्स जो बॉडी को वापस मेन की तरफ लाएगी उसे रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है, इट इज़ इक्वल वर्ड अपोजिट टू हुक्स फोर्स, इसकी मैग्नीट्यूड हुक्स फोर्स के बराबर है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। याद रखिएगा हुक्स फोर्स का काम होता है बॉडी को मीन से डिस्प्लेस करना, मीन से अवे लेके जाना, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है बॉडी को वापस मीन की तरफ लाना। एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, माइनस के बाई एम एक्स, के भी कॉन्स्टेंट है एम भी कॉन्स्टेंट है, के और एम दोनों कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट का कंबाइन नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के बाई एम। तो कांस्टेंट को ख़त्म कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कांस्टेंट को ख़त्म करके हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जिसका प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके कांस्टेंट लगाया था, कांस्टेंट ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। सो इट इज़ बेसिक कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।
इसमें एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसे एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट शक्ल बनाता है टाइम गुजरने के साथ साथ, वो कैसी शेप बनाता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे आती है, इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट। तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग मास सिस्टम है, पहले उसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक टाइम पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर मिनिमम पे जाएगा, फिर अपोजिट साइड पे, तो इस किस्म की शेप बनती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको आप कह लें ओ डी है, ये एम्पलीट्यूड है, ये अपोजिट साइड का एम्पलीट्यूड है, इसका नाम आप रख लें पी क्यू रख लें। तो ये वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, बाकी को हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो किसी भी टाइम पर आप मालूम कर सकते हैं, यही शेप आप एक्सपेरिमेंटली भी हासिल करते हैं। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर लें, क्या एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट करें एक पेज का रोल है, दो रोल हैं पेज के, जैसे टिश्यू के रोल होते हैं ऐसे दो पेज के रोल हैं, एक से पेज निकल रहा है और दूसरे पे लपेटा जा रहा है, फर्ज करें पेज इधर टूवर्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इससे पेज निकल रहा है और किस पे लपेटा जा रहा है, लेफ्ट वाले पे, तो राइट टू लेफ्ट पेज की मोशन है, पेज की पेज को मूव करवाने का मतलब टाइम को शो करें कि टाइम इंक्रीज कर रहा है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसके साथ स्प्रिंग के साथ मैंने एक बॉडी को बांध दिया और बॉडी के साथ एक पॉइंटर भी अटैच कर लिया, ये पॉइंटर उस पेज को टच कर रहा है। स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है, उसकी बॉडी के साथ एक पॉइंटर अटैच कर लिया, पॉइंटर किसको टच कर रहा है, पेज को टच कर रहा है। अगर ये पेज साकिन है, टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा, अगर पेज साकिन है आप इसको वाइब्रेट करें तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से यहीं पे निशान पड़ता रहेगा, जो पॉइंटर निशान लगाएगा पेज पर वो उसी जगह एक ही जगह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर पेज चलना शुरू कर दे, ठीक है, तो जो शेप बनेगी वो कैसे होगी, कुछ ऐसी शेप बनेगी यहाँ पर, अगर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और पेज भी चलना शुरू कर दे, पेज कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, अगर पेज ऐसे जा रहा है, नहीं इस तरह वाइब्रेट करते, पेज अगर मूव कर रहा है और स्प्रिंग मास सिस्टम उसके ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, उसका पेंसिल निशान लगा रहा है, तो जो शेप बनती है वो भी बिल्कुल ऐसे बनती है। इस किस्म की वेव को हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं। तो ये साइनोसाइडल वेव है, साइन वेव या कॉस वेव को साइनोसाइडल वेव कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कैसा होता है, साइनोसाइडल वेव बनाता है। इधर डेफिनेशंस हैं, पीरियडिक मोशन क्या होती है, व्हाट इज वन वाइब्रेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड and what is angular velocity। ये स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए है, ये सारे पैरामीटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होंगे, फर्ज करें ये सिंपल हार्मोनिक बॉडी है, सिंपल पेंडुलम है,
जो ए और बी के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। पीरियडिक मोशन ऐसी मोशन होती है विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट है, इक्वल टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करे। बॉडी ए पर है, इक्वल टाइम के बाद फिर ए पर आ जाए, इक्वल टाइम के बाद फिर ए पर आ जाए, ऐसे मोशन द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। जबकि एक वाइब्रेशन कितना होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर ए से वापस ए तक, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कहेंगे, इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का टाइम टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई, मसलन एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। और एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम का आपस में ये ताल्लुक होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस टू आइदर साइड ऑफ मेन पोजिशन, जबकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वैसे ये भी डिस्प्लेसमेंट है। गोया हर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है, मगर हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं होता, सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओवर टी है। अगर एक वाइब्रेशन में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π हो, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का टाइम टी होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2π/T। टाइम पीरियड ऊपर ले जाएं फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, इसको 2π f पे लिखा जा सकता है। तो हम ये पैरामीटर आगे इस्तेमाल करेंगे, इनको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।